आपको चाय मिलेगा, पहले आप गाइडेड टूर के लिए चलिए, उस तरफ चलिए प्लीज, चलिए प्लीज सामने गाइडेड टूर के लिए, आप लोग भी प्लीज पीछे से सर Thank you.
फीचर्स फॉर दिस मोमेंट मेरी पर्सनल खराब नहीं करता कुटने चरखा पर ये रहने वाली है ना चटने गांधी मार्च 12 मार्च 1930 में 6 अप्रैल 1930 और ये जो आप देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे ही सेम टू सेम एक विलियम केस के अंदर पार्लियामेंट म्यूजियम में है। अच्छा ये 1946 का अगेन एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्चुअली हमारे देश जब आजाद होने जा रहा था उस टाइम जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे तो उन्होंने बताया कि हमारे देश अब आजाद होने जा रहा है तो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस है, बनाने का जो प्रोसेस है, यहीं से शुरू हुआ था। तो आप इधर देखेंगे एंड हमारा जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जवाहरलाल नेहरू सर ने प्रीएम्बल का रचना किए थे। ये जवाहरलाल नेहरू सर वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रीडम फाइटर। एंड नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रीडम फाइटर्स। एंड नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर एक्चुअली ड्राफ्टिंग वॉज अ हेड पर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। एंड नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल सर एक्चुअली आज़ादी से पहले इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने का जो सम्मान है इन्हीं को दिया जाता है, इसीलिए ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया।
And next, sir, people think that Maulana Abul Kalam Azad sir, who was the first education minister of India. ठीक है, आगे चल के आप लोग देखेंगे एक्चुअली हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ 1950 26 जनवरी को, उसके बाद जितने भी मिनिस्टर आए मतलब पॉलिटिकल रीजन जितने भी मिनिस्टर आए प्राइम मिनिस्टर जहाँ मतलब जहाँ ना नेहरू सर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर बी आर अम्बेडकर सर सबसे ओरिजिनल मिनिस्टर ओरिजिनल देखिए सब ओरिजिनल कोई कॉपी नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप लोग ये पूरे सिग्नेचर हैं जो भी मिनिस्टर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सभी के सिग्नेचर हैं यहाँ पे, जो जो भी फ्रीडम फाइटर और जो भी राष्ट्रपति का सभी का सिग्नेचर है ओरिजिनल सिग्नेचर। ये बुलेट प्रूफ कार है जो राष्ट्रपति यूज करते थे, अब पीएम यूज करते थे पहले, अब चेंज हो गई है, अब नया वर्जन आ गया है। अभी आप लोग -1 में जाएंगे जो कि अंडरग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि ये इंडिया की एक ऐसी म्यूजियम है जो कि अंडरग्राउंड है। अभी हम लोग जहाँ पे है ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे -1 और -2 है। -2 अभी फिलहाल मेंटेनेंस के लिए बंद है, अभी आप लोग -1 पे जाएंगे थ्रू एस्केलेटर। प्लीज आ जाइए। पीतीस की रानी लोग इसी पे सवारी करती थी, आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, यही था रथ। मैम आप बताएंगे ना इसके बारे में? हाँ हाँ नहीं मेरे को लगी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हुए हैं उनकी कुछ प्रेसिडेंट्स की पर्सनल बिलोंगिंग्स, साथ ही साथ जो प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स मिलते हैं हमारे प्रेसिडेंट को जब भी वो किसी स्टेट विजिट पर जाते हैं या इंटरनेशनल किसी विजिट पर जाते हैं तो उन्हें जो गिफ्ट्स मिलते हैं यहाँ पर उनके कलेक्शंस दिखाए गए हैं। ये वाला सेक्शन हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पर्सनल बिलोंगिंग्स का है, इसमें उनकी पर्सनल चीजें दिखाई गई हैं। सेंटर में आप जो सरस्वती वीणा देख रहे हैं ये कलाम जी का पर्सनल वीणा है जो कि वो प्ले करते थे। ऑल्दो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट बट बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, बहुत अच्छा वीणा प्ले करते थे, तो ये उनका पर्सनल वीणा है। यहाँ पर उनके दो ड्रेसेस दिखाए गए हैं, एक ग्रे कलर का है और दूसरी तरफ एक डार्क ब्लू कलर का दिखाया गया है, जिसमें ये ग्रे वाला ड्रेस कलाम जी ने जब एज अ प्रेसिडेंट वोट किया था शपथ लिया था उस टाइम उन्होंने ये वाला ड्रेस पहन रखा था, और ये ब्लू वाला ड्रेस कलाम जी का शिलोंग में लास्ट लेक्चर चल रहा था जिसके बाद सडनली स्टेज पे कोलैप्स कर गया था, उनकी डेथ हो गई थी, उस टाइम उन्होंने ये वाला ड्रेस पहन रखा था। यहाँ पर उनकी कुछ बुक्स के कलेक्शन दिखाए गए हैं, लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एंड अदर बुक्स आपको दिखाए गए हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है इस सेक्शन की वो ये पेंटिंग है, जिसके पहले आप बेस में देखेंगे तो आपको डिस्टॉर्टेड सा इमेज दिखेगा, नहीं समझ में आएगा क्या है, बट उसका रिफ्लेक्शन ये जो सेंटर में स्टील का रॉड रखा है आपको उसमें दिखेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इसमें कलाम जी का फेस दिखेगा, दिख रहा है ना इस पेंटिंग को, सर आगे से भी देख लीजिएगा इधर ही दिखेगा। यहाँ पर दो बुक्स खुली हुई फ्रंट में रखी हुई है जिनमें कुछ कुछ लिखा हुआ है कलाम जी के, ये कुछ हैंड रिटन नोट है, जब भी वो कोई बुक पढ़ते थे उन्हें कोई भी पॉइंट्स अच्छे लगते थे तो उन्हें पे फर्स्ट प्रेसिडेंट टिल 40th प्रेसिडेंट जो भी गिफ्ट मिले हैं हमारे प्रेसिडेंट को ये उनके कलेक्शंस दिखाए गए हैं। जापानीज डॉल आपको दिखाई गई है, ये जापान की एम्बेसी से हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिफ्ट में मिला था। फिर उधर आप देखेंगे मेटल का आपको एक चेस बोर्ड दिखाया गया है, ये क्रोशिया से गिफ्ट में मिला था हमारे 40th प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी को।
इस तरह ये फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके 14 प्रेसिडेंट तक जो भी गिफ्ट मिले हैं आप उनके कलेक्शंस देख। इस वाले सेक्शन में आप श्री रामनाथ कोविंद जी की पर्सनल बिलोंगिंग्स देखेंगे, यहाँ पर आप कोविंद जी की पत्नी वाली फोटो भी देख सकते हैं। सेरेमोनियल पोस्टर्स पर पत्नी यूज किए गए तो बिलोंगिंग, जिसमें जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है आपको ये पेंसिल दिखेगा, जिसके जब आप टिप पर देखेंगे तो आपको कोविंद जी का फेस दिखेगा। कार्विंग की गई है उनके फेस की पेंसिल करके, पर नीरज कोहली एक माइक्रो आर्टिस्ट थे, ये उन्होंने बनाया था और कोविंद जी को गिफ्ट में दिया। स्टडी रूम की उनका ऑफिस एरिया भी होता है, जहाँ पर एक फॉर्मल मीटिंग होती है प्रेसिडेंट की उनके मिनिस्टर्स के साथ, उनके गेस्ट के साथ, वो उनकी स्टडी रूम से स्टार्ट होती है। तो ये उसका रेप्लिका दिखाया गया है जैसा कि सर्किट वन में है। इनकेस आप सर्किट वन दैट इज मेन बिल्डिंग जाते थी है, तो ये वाला एरिया कभी नहीं दिखाया जाता है ड्यू सिक्योरिटी रीजन। इस वाले एरिया को नहीं दिखाया जाता है, तो ये उसका रेप्लिका दिखाया गया है। यही पर उनकी लाइब्रेरी भी होती है। तो 340 रूम्स हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, इसमें से इस रूम का नाम साबरमती रूम है। यस, और 26 जनवरी के पहले 25 की शाम को प्रेसिडेंट का एक एड्रेस आता है, टेलीकास्ट होता है नेशन के नाम एड्रेस। सेम पैटर्न पे आपने देखा होगा फ्लैग और एम्बलम के साथ, जो कि हमेशा वो अपने स्टडी रूम से ही देते हैं। ये फर्नीचर्स आप जितने भी देख रहे हैं ये प्रणब मुखर्जी सर के टाइम पर उनके स्टडी में रखे हुए हैं। दिन हम आगे की तरफ सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई है, सिल्वर बास्केट सब कुछ दिखाई गई है। आप लोग थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट हो जाइए ना, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। ये वाला सेक्शन हमारे 8वें राष्ट्रपति, हमारे 8th प्रेसिडेंट अरविंद रमन जी की पर्सनल बिलोंगिंग है, जिनके टाइम पर वो जो आप ऊपर कार देख के आए होंगे ना, मर्सिडीज बेंज होगा, उन्हीं के टाइम से ये कार यूज की गई थी। अरविंद रमन जी के टाइम से यहाँ पर उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स दिखाई गई हैं। और जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये कार्टून स्केच है, क्योंकि 82-83 के अराउंड जब वो फिनांस मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा बजट के लिए आए थे, जो कि हाउस वाइफ को बहुत पसंद आया था, तो ये उसको डिपिक्ट करता हुआ बनाया गया है। आगे के बैक साइड में ये वाला जो काउंटर है, यहाँ पर इनकेस आप अपना पोस्टल स्टैम्प बनवाना चाहते हैं, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं या कुछ भी हम पोस्ट करते हैं, तो हम टिकट यूज करते हैं, स्टैम्प यूज करते हैं, तो अगर आप अपना फोटो लगा के उस स्टैम्प को यूज करना चाहते हैं, तो इस वाले काउंटर पर, ये जो माई पोस्टल स्टैम्प वाला काउंटर है, आप यहाँ पर 300 रुपीज लेके बनवा सकते हैं। ये वैलिड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वैलिड है। एक शीट का कॉस्ट 300 है, जिसमें 12 स्टैम्प है और 5 रुपए एक स्टैम्प की वैल्यू है। ठीक है, आ जाइएगा आगे। यहाँ
जब आप ध्यान से हर एक स्केच पे देखेंगे तो इनमें कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, कुछ लेटर्स लिखे गए हैं जिनको यूज करके ये सारे स्केचेस बने हैं। ऑल्दो इंडिया सारे स्केच पे लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया हर एक प्रेसिडेंट के लिए कुछ प्रतिभा पाटिल मैडम, यहाँ पर आपको सोशल वुमेन दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट वन प्रणव मुखर्जी सर, इन पे टीचर लिखा हुआ है और टीचर को ही यूज करके पूरा स्केच बनाया गया है। इनको टाइपोग्राफिक स्केच कहते हैं और इसको राजेश प्रदीप ने 2016 में बनाया। रामनाथ कोविंद के बारे में बताया दरबार हॉल में होती है। बैक साइड में आपको कुछ फोटोज भी दिखाए गए हैं जो प्लेटफॉर्म वाला एरिया होता है जिसके जस्ट नीचे हमारा दरबार हॉल है, जिसमें सबसे ऊपर इस तरफ जो आपको दिखाया जा रहा है ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पीपल के पत्ते के शेप का आपको दिख रहा है। पद्म अवार्ड ये सिविलियंस को आम नागरिकों को दिए जाने वाले ये अवार्ड है। डिफेंस की फील्ड में दिए जाने वाले 150 रुपया रसोई में खाना बन रहा
और ऊपर का सेट हंगरी से गिफ्ट में मिला था। अंग्रेज देख रहा हूँ आ जाओ आओ चलो थोड़ा देखने के लिए सैंपल।
या इरविन का एक पैक्ट हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ये उस टाइम का दिखाया गया है जब गांधी जी नए नए बने वाइसराय हाउस आए हुए थे। तो जब मैं वीडियो प्ले करूंगी साथ में आइएगा आप लोग वॉक करते हुए, गांधी जी जब वॉक करने लगेंगे साथ साथ में, लेकिन प्लीज स्पीड स्लो रखिएगा, भागने में मत आइएगा और प्लीज किसी को कोई धक्का मत दीजिएगा। रिकॉर्डिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग करिएगा, फ्रंट कैमरे से मत गांधी जी से आगे नहीं जाना भाई, अरे गांधी जी को पीछे छोड़ दिया भाई। इससे अंदर नहीं आ सकते गांधी जी, हो गया हो गया हो गया। चिड़िया का घोंसला पक्षी सब नकली तो निकल गया। इधर है वो अध्यक्ष फोटो, मैं तो बोला उसी गर्दन पे सब एक साथ इतने बड़ी फोटो ये देखिए, देखो पार्लियामेंट से नेता सब के दे नेता सब बतिया छोटी छोटी भाई कहाँ खींच के ले जा रहा है। तब तक पेट में बात आ सकते हैं हम नहीं कर रहे Thank you.
अरे यार Thank you.
भाई तेरा बीकॉम होने से भाई आज Thank you.